मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कुछ विषयों पर मंत्रिपरिषद के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। जो बैठक में आज निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण, वो आपके सामने इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में जो 5 प्राधिकरण बनाए गए हैं, उन 5 प्राधिकरण में एक संशोधन को मंत्रिपरिषद की अनुमति मिली है। ये प्राधिकरण है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास पुनर्प्राधिकरण, इनमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से प्राधिकरणों में जन प्रतिनिधित्व के दायरे में को विस्तार दिया गया है, यानी इसके माध्यम से पूर्व में संबंधित विभाग के मंत्री 2 या 3 सदस्य होते थे, अब सब मंत्री परिषद के सभी सदस्य इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद होंगे और संबंधित क्षेत्र के जिला पंचायत के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण के सदस्य इन 5 में बनाए गए हैं। इससे संबंधित जो संशोधन के प्रस्ताव है उसका मंत्रिपरिषद में अनुमोदन हुआ है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने पारित किया, उसमें मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छा अनुदान के मद से 262 व्यक्ति और संस्थाओं को 4,56,72,000 रुपए की अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने किया है। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने लिया है। इसके माध्यम से राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत भूखंडों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टाउन डेवलपमेंट स्कीम का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और सुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से इन निर्णयों का एक बड़ा असर आने वाले समय में आपको दिखेगा। सर, जो प्राधिकरण का विकास जो